ओके। मैं हिमलता शर्मा, आइए जानते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हाल। यूपी यूके लाइव टीवी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड न्यूज। मंत्रिमंडल में दो रिक्त मंत्री पदों पर टिकी 47 नजरें। भाजपा नेता पर दुष्कर्म के प्रयास का केस दर्ज। पारा चढ़ते ही ग्रामीण क्षेत्रों में गहराने लगा है पेयजल संकट। मदरसे से मोबाइल चोरी हुआ तो शिक्षक ने छात्र की कर दी पिटाई। परिसंपत्ति बंटवारे पर अधिकारी लगा रहे पलीता, अधूरी तैयारी से सीएम। शहीद किशन पेट्रोल पंप पर नहीं पेट्रोल डीजल। मसूरी ड्राइवर्जन और मैक्स हॉस्पिटल के निकट है पेट्रोल पंप। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए देहरादून में आयोजित हुआ जन जागरूकता व्यवसाय। उत्तराखंड हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे 3 नए जज। उत्तराखंड में अवैध शराब का फल फूल रहा है कारोबार। उत्तराखंड में श्रद्धा के साथ मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। दून सहित पूरे राज्यों में धार्मिक आयोजन। भगवान शिव के साले लाटू देवता के कपाट खुले। देहरादून सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर जन जागरूकता व्याख्यान का आयोजन। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर डीकेएस संजय ने सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों पर लागू किया जागरूक। उत्तर प्रदेश। सहारनपुर में हुए बवाल की गूंज लखनऊ तक। प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों को हटाया। योगी सरकार के आदेश को नहीं मानता बिजनौर प्रशासन। जनपद के घरों में चल रहे हैं अवैध बूचड़ खाने। मीट कारोबारियों से पुलिस कर रही है अवैध वसूली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बुद्ध पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई। सहारनपुर बवाल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं भारी फेरबदल। सहारनपुर की आग की आंच में नपेंगे कई अधिकारी। बसपा राष्ट्रीय महासचिव नसरुद्दीन सिद्दीकी पर लगे बूचड़ खाने में शामिल होने के आरोप। मायावती कर सकती है सिद्दीकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरी योगी ब्रिगेड। पूरे देश में चलाया जाएगा सफाई अभियान। केंद्र सरकार के कानून की उत्तराखंड में उड़ाई जा रही है धजिया। सहारनपुर के शब्बीरपुर में हुए जातीय संघर्ष के बाद भी